आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। राम बनाओ, हनुमान, बाली, सुग्रीव, बेटा 33 करोड़ देवता है हिंदू धर्म में, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि देवता ना दिखे। ये चोर मुझे बदनाम करने के लिए आगरे से बम्बई आया था, इस साले को मेरा साला मत समझो, बुलाओ पुलिस को, कर दो इसे पुलिस के हवाले। दोस्तों, 1980 में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था हम 5। और उस फिल्म में एक सीन था जहाँ 4-5 लड़के एक बुजुर्ग को उठा के उनके साथ मस्ती कर रहे हैं और जोर जोर से कहते हैं, चिल्लाते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अपने वक्त के वेटरन करेक्टर एक्टर कन्हैया लाल जी की। छोटे सरकार, आप तो खामखा बड़े सरकार पर खपा रहते हैं, वो तो घंटे में 2 मरतबा आपका नाम लेते हैं, कहते हैं लाला नानसुख प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, अब श्रीवास्तव क्यों लगे हैं तुम्हें? नहीं सरकार, वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखा है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके सिवा दूसरी किसी बात की फिक्र ही नहीं। कन्हैया लाल जी को पान खाने का बहुत ज्यादा शौक था, खाने से ज़्यादा वो पान खाते थे, चबा चबा के खाते थे, मज़ा ले के खाते थे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे कि मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो पान तो खाते हैं और फिर हर जगह थूकते रहते हैं, देखते नहीं हैं कि ये सड़क है, दीवार है या फिर जीना है। जीने का मतलब होता है सीढ़ी। दोस्तों, मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है, सुनिए। जीने भी लाल लाल हैं, चाले भी लाल लाल, जीने भी लाल लाल हैं, चाले भी लाल लाल, हर एक जगह है पान की पीकों से लाल लाल। जी जी, खुश रहो बेटी, लेकिन वादा चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो साथ बिगड़ जाती है। आजकल तुम मेरे घर की तरफ कभी आती नहीं, घर में से पूछ रही थी तुम्हें तबीयत नहीं थी क्या? अरे तबीयत का है कि कुछ ऐसा भसम चटा दे उसे कि मरते दम तक हट्टी कट्टी बनी रहे, तेरे गुन गाएगी। December 15, 1910 में पैदा हुए थे कन्हैया लाल जी बनारस में, जो अब वाराणसी है, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता बहुत पढ़े लिखे थे और उनके पिता का नाम था भैरव दत्त चौबे और वो संचालक थे सनातन धर्म रामलीला मंडली के। कन्हैया लाल जी की माँ हाउसवाइफ थी। कन्हैया लाल जी के एक बड़े भाई थे और एक बड़ी बहन। बहन का नाम था कुंवर और भाई का नाम था संकटा प्रसाद चतुर्वेदी। और कन्हैया लाल जी का पूरा नाम था कन्हैया लाल चतुर्वेदी। किस हिसाब किताब रखने की नौकरी पर से आपको डिसमिस क्यों ना कर दिया जाए मुनीम जी? कुमार बाबू, मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सरकार, 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। 20 साल से आप सेवा नहीं कर रहे हैं, 20 साल से आप बराबर चोरी करते चले जा रहे हैं। कन्हैया लाल जी को और उनके बड़े भाई को अभिनय यानी एक्टिंग करने का शौक बचपन से था, इसलिए पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर भी कन्हैया लाल जी ने अपने पिता से बहुत कुछ सीख लिया और वो बड़े मज़े में कहते थे, किताबों में क्या धरा है बंदे, अरे सबक ले जिंदगी का जिंदगी से। जब तक कन्हैया लाल जी के पिता जिंदा थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनके पिता का निधन हो गया तो सब कुछ बदल गया। दोनों भाइयों ने मिलके रामलीला मंडली चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलके छोटे मोटे बिजनेस किए, आटे की चक्की खोली, पंसारी की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं हुई कि घर का खर्चा चल पाता, इसलिए दोनों मुंबई आ गए फिल्मों में अपने किस्मत आजमाने के लिए। कन्हैया लाल जी कहते थे
कि मेरा मकसद था सिर्फ पैसा कमाना, इसलिए मैंने अच्छा बुरा नहीं देखा, बड़ा छोटा नहीं देखा और हर काम जो मिला वो कर लिया, यहाँ तक कि मैं फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट बन गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले जो मैंने किए। सरूप भाई, बहुत कर चुका लिहाज उम्र पर, अब जरा जवान संभाल के बात कर। जा जा, बड़ा आया आंखें दिखाने वाला। क्या नारियल भर के ला, ठंडा हो रहा है। अरे तो क्या तेरा नशा टूट रहा है कमबख्त? कन्हैया लाल जी का पान खाने का स्टाइल और बोलने का लहजा, लहजा यानी डिक्शन, इतना अट्रैक्टिव था कि वो चारों तरफ छा गए। और इसकी वजह ये थी कि उन जैसा कोई था ही नहीं, सबसे अलग सबसे जुदा। तो चाची अब तुम लाला को खा जाओ, बस फुर्सत हो जाए। गंगा कसम मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया, जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती हो। तीन हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला। हाय चाची, वो तो ब्याज में चली जाती है ना, असल तो वही का वही धरा हुआ है। तो क्या बच्चे भूखे मरे? अच्छा बाबा, बच्चे भूखे ना मरे। लाओ, क्या लाइयो खाने को। दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है कि कन्हैया लाल जी राइटर भी बहुत अच्छे थे और कवि भी थे, गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। और हाँ, ये भी हम आपको बता दें कि उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे थे बहसियत गीतकार, जैसे 1939 की फिल्म साधना और 1940 की संस्कार में। दोस्तों, 40s के दौर के एक बहुत बड़े और मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनका नाम था महबूब खान। और 1940 में वो एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था औरत, और उस फिल्म में हीरोइन थी महबूब खान की बीवी सरदार अख्तर, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। और इसका श्रेय जाता था कन्हैया लाल जी के उस सीन को जहां वो सरदार अख्तर के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। ठीक है राधा रानी, ठीक है, लेकिन जब कोई व्यापारी अपनी चीज बेचता है तो उसे बना सवार कर ग्राहक के सामने लाता है। तुम खाली रूप देखते हो, आत्मा नहीं देखते। आत्मा? राधा रानी, आत्मा तो भगवान की चीज है, संसार तो बस रूप देखता है, रूप चमत्कार। औरत सुपरहिट हो गई और उसके ठीक 17 साल बाद महबूब खान ने 1957 में औरत का रीमेक बनाया मदर इंडिया के नाम से। महबूब खान ने औरत की सारी स्टार कास्ट बदल दी थी सिवाय कन्हैया लाल जी के, और जो रोल उन्होंने औरत में किया था वही रोल उन्होंने मदर इंडिया में किया सुखी लाला का। फर्क सिर्फ इतना था कि पुरानी फिल्म जो औरत थी उसमें सरदार अख्तर थी और मदर इंडिया में नरगिस। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की, राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। कन्हैया लाल जी कहते थे कि मुझे इस बात की तकलीफ जिंदगी भर रही कि मैंने बहुत ज्यादा फिल्मों में, ज्यादातर फिल्मों में विलेनिश रोल किए और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो तो शुक्र है कि कई फिल्मों में मैंने बहुत प्यारे सिंपैथेटिक रोल भी किए जो मुझे बहुत अच्छे लगे और लोगों को भी बहुत पसंद आए। तस्वीर बनाना बुरा नहीं है बेटी, खुद बनना बुरा है। जिस तरह मैं तुझे गलत नहीं समझता उसी तरह तू भी मुझे गलत नहीं समझना। मुझे अपनी खुशी से तेरी खुशी का ख्याल ज्यादा है बेटी। कन्हैया लाल जी ने दो शादियां की थी और जब उनकी पहली बीवी का निधन हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी बीवी का नाम था जामवंशी चतुर्वेदी। उनके 7 बच्चे हैं, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें से एक बेटी का नाम है हेमा सिंह और हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हेमा सिंह अपने पिताजी कन्हैया लाल जी की ज़िंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं और उनकी बायोग्राफी भी लिख रही हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं हेमा सिंह के साथ। दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि
कि मैंने भी कन्हैया लाल जी के साथ कई फिल्मों में काम किया। उनमें से एक फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। शेर व शायरी होती थी, चुटकुलेबाजी होती थी। हाय, उनके साथ काम जो किया है वो दिन भी क्या दिन थे। वो आप जाने मामा जी। ठीक, अब ये भी बताओ बेटी कि तोहफा क्या लोगी? जो मांगूंगी मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, तुम बोलो तो सही। मामा जी, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा मेरे भैया है। कन्हैया लाल जी ने अपने पूरे करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था हथकड़ी, जो आई थी 1983 में, लेकिन अफसोस कि उनकी डेथ के बाद। मैंने कहा था ना साहब, आपको इनकी अंग्रेजी झेलनी पड़ेगी। शट अप! अरे लेकिन मैं बात बोल दिया, शट अप तो शट अप। गाड़ी कम चलाता है, जबान बहुत चलाता है। जब देखो टटर टटर, यू गो, इफ यू नॉट गो हम जाता। हम सामान रख के आता है साहब। आखिरी दिनों में कन्हैया लाल जी बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें अस्थमा हो गया था। उनकी बेटी ने बताया कि पिताजी को इस बात का एहसास हो गया था कि वो अब ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, और हुआ भी यही। 14 अगस्त 1982 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 73। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।